अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू व्लॉगिंग विद शाजिया। आज हम एक बहुत ही मज़ेदार सी बहुत झटपट तैयार होने वाली डेजर्ट है जिसका नाम है दूध दुलारी। तो ये आज की जो रेसिपी है आज के मौसम के मुनासबत से बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी होती है, झटपट तैयार हो जाती है और सबको पसंद आती है क्योंकि ये बहुत ठंडी सी और बड़ी स्वीट सी डेजर्ट है। तो आए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। मैंने ये दो जली के पाउडर लिए हैं और पानी जो है मैंने गर्म होने के लिए रख दिया हुआ था। पानी गर्म हो गया हुआ है, इसमें हम तकरीबन एक एक कप के बराबर जो है हम पानी डालेंगे, उबलता हुआ पानी। और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे क्योंकि इसको फ्रीज होने के लिए टाइम चाहिए, इसलिए सबसे पहले इसी को रेडी कर लेते हैं। अब हम इसको आधे घंटे के लिए फ्रीजर में रख देंगे ताकि ये जल्दी से फ्रीज हो जाए। तकरीबन एक लीटर मैंने दूध लिया है, घर का दूध ही यूज होगा। आप चाहें तो दूसरा, अगर घर का दूध अवेलेबल नहीं है तो आप मिल्क पैक भी यूज कर सकते हैं। मैंने एक लीटर दूध जो है वो बॉयल होने के लिए रख दिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे इलायची पाउडर तकरीबन आधा चम्मच, साथ हम डालूंगी इसमें दो चम्मच शुगर। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा, कम पसंद है तो कम ही डालें। और वैसे जो ये डेजर्ट्स हैं इसमें जितना कम मीठा होगा उतना ही वो टेस्टी बनेगा। मैंने ली हैं ये रेड वाली सुइयां जो कलरफुल होती हैं, और तकरीबन एक बाउल है ये इसमें ऐड होगा। अब हम इसको अच्छी तरह पकाएंगे। तकरीबन 10 मिनट लगेंगे इसको गाढ़ा होने में, तब तक वेट करते हैं। लीजिए जी, हमारी जो है दूध दुलारी तकरीबन एंडिंग स्टेज पे है। देखें कितना खूबसूरत कलर, कलरफुल सी ये है, इसकी बन चुकी है और काफ़ी थिक हो गई है पहले से। बस इतना ही हमने इसको ठीक करना था। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 से 2.5 चम्मच कंडेंस्ड मिल्क। अगर आपके पास कंडेंस्ड मिल्क नहीं है तो आप क्रीम यूज कर सकते हैं, जैसे मैं यूज कर रही हूँ, कोई मसला ही नहीं है। 2 से 2.5 चम्मच क्रीम जो है, मैंने मिल्क पैक क्रीम ली है, आप घर की क्रीम भी यूज कर सकते हैं। मकसद तो है इसको सिर्फ थिक करना और उसका थोड़ा सा टेस्ट एनहेंस करना है। बहुत मज़ेदार सी, बहुत ही टेस्टी है और ठंडी ठंडी और मज़ेदार हो जाएगी जब हम इसको फ्रीज में रखेंगे। जुबान स्लिप हो रही है, फ्रीजर कहना था। ये हो गया हमारा तैयार। अब हम इसमें ऐड करेंगे, मैंने पिस्ता बादाम पहले ही क्रश करके रख लिए थे। लीजिए तकरीबन तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे रसगुल्ले जो बेकरी में आसानी से मिल जाते हैं। कलर बड़े कलरफुल किस्म के होते हैं, लाल पीले नीले जो भी कलर आपको मिल जाए आपने रसगुल्ले इसमें ऐड करने हैं। चलिए अब हम इसको सर्विंग बाउल में डाल लेते हैं। पहले स्टोव को ऑफ कर देते हैं। लीजिए जी, इतनी देर में हमारी जली भी फ्रीज हो गई। अब हम इसे छोटे छोटे क्यूब्स में काट लेंगे। इतने खूबसूरत कलर हैं जलीज के।
चैलेंज। अब हम इसको अपनी जो है राज दुलारी क्या दूध दुलारी इसमें ऐड कर लेंगे सारे क्यूब्स। ये और कलरफुल जो है बन जाएगी। साथ ही जिनको जेली पसंद नहीं है वो इसे कम डालें, अगर बच्चे तो बहुत ही शौक से खाते हैं इसलिए मैंने ज्यादा डाली है, जिन लोगों को पसंद नहीं है वो इसे अपने पसंद के मुताबिक इसमें ऐड करें। लीजिए देखें कितनी यम्मी लुक है और कितनी कलरफुल सी डेजर्ट है कि हाथ ही ना रुके, लेकिन शुगर के मरीज जरा हाथ रोक के ही खाएं। चलिए जी इसके हम अब जो है डिश आउट कर लेते हैं। लीजिए जी हमारी आज की रेसिपी तैयार है। अब हम इसको थोड़ा सा गार्निश कर लेते हैं, पिस्ता बादाम जो कुछ भी अवेलेबल है, और उसको एक घंटे के लिए फ्रीज कर देंगे, थोड़ा ठंडा हो जाए जल्दी से, फ्रीजर में रखते हैं ताकि इसका जो है टेस्ट वो दुबाला हो जाए। आज की रेसिपी आज आपको कैसी लगी इसे जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत यम्मी बहुत ही टेस्टी है, आजकल के सीजन के मुताबिक है, तो आई एम श्योर कि आपको बहुत पसंद आएगी। कमेंट बॉक्स में मुझे अपने कमेंट्स के वजह से आगाह कीजिएगा, अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, और साथ लगे बेल के बटन को प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाली जो रेसिपीज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आपको बरवक्त मिले। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और साथ अपने चैनल का भी, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।